सुना क्या खा रहे हैं बेटे? सुना क्या खा रहे? चने खा रहे ना बेटा? मेरा दादा क्या करता था? वहां से जाता था, फरवरी खुद जाता था, बर्फ के अंदर बैठता था, मार नहीं लगती थी कुछ भी, बच जाता था। नमक का मजा ले रहा बेटा, ये इसमें चने में नमक डाल के है ना, तो इसका मजा ले रहा है बेटा। लेकिन अब मुझे फिर आगे बढ़ना है। चने इधर है बेटे, आए चने। सिर्फ एक मुसीबत है, वक्त भी मेरे खिलाफ है। मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे जबरदस्त तबाही का मंजर नजर आया। मैं जंगल से आगे बढ़ रहा था कि अचानक रोशनी काफी बढ़ गई, और इसकी वजह यह है, एक एवलांच ने जंगल के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी ऐसा हैरत अंगेज मंजर देखा होगा। कुदरत की ताकत ने यहाँ पेड़ों पर से छाल तक उतार दी है और सारे पेड़ टूट कर बिखर गए हैं, और एवलांच में इतनी ताकत थी कि वो अपने सारे नीचे गिरा दे रहे। बेटे तुम नमक मत खाओ, सुना नमक है बेटे इसमें। कुछ एक हफ्ते पहले आया होगा, शायद इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, और 1,00,000 टन बर्फ ने यहाँ के पेड़ों के तनों को तिनकों की तरह तोड़ दिया। दवानों को जी छोड़ो। इन चोटियों के बीच स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने वाले लोगों की वजह से अल्प्स में इस साल बहुत ज्यादा अवलांच आए हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे नमक है बेटा, तुम नमक का मजा ले रहे, जबान कट जाती है बेटे। ऊपर आ गई सना, और इस पर ऐसा लग रहा है और इन सब पेड़ों को इसने चटका दिया। देखिए ये कैसे टूट गए, और आप देख सकते हैं कि पाइन के इस पूरे जंगल का अब क्या हाल हो चुका है। कमाल है, पर एवलांच ने मुझे खाने की कोई चीज ढूंढने का भी मौका दिया है। आपको किसी जानवर को ढूंढने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जान जाएंगे कि यहाँ किसी चीज की मौत हो चुकी है। खाना बेटे, बदबू से पता चल जबान कट जाती बेटा, ये खाना कोई मरा हुआ जानवर। सुना ये देखिए, नमक चूस रहे तुम। पहले इसे हटा देता हूँ, फिर आप देख पाएंगे। ये तना हटा दूं, ये देखिए, मुझे लगता है ये एक मरा हुआ शैम्बा है, और ये शायद एवलांच में फंस के मारा गया है। मेरी बच्ची ने चूस। इसके अलावा यहाँ पेड़ों के अंदर कुछ जानवरों के बिल भी मौजूद रहे होंगे, और वो सारे के सारे इसी तरह एवलांच में मारे गए। आप देख सकते हैं कि इसका मांस सड़ रहा है। हाँ ये देखिए, ये देखिए इसके खाल भी है, और मैं इसके सड़ते हुए मांस को बिल्कुल खाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कीड़े अभी जिंदा है तो इनमें अच्छी खासी प्रोटीन है, और मुझे काफी कैलोरीज हासिल होंगी इन्हें खाने से। और इन्हें खाने का तरीका ये है कि
देखो पूरा दबा के मारा झाड़ को, वो पेड़ को, खंबे को मारा, सॉरी। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, एयरबैग खुल गए इसके। كل نفس ذائقة الموت Hehehehe